खाते पीते घराने की लड़की इस घर में गुजारा कैसे करेगी? वो तो मंसूर के साथ ही रहेगी ना माँ। क्यों, मंसूर भला क्यों लेकर जाएगा, यही रहेगी हमारे साथ। शंगारा ने अपने माँ बाप को इस चीज में इन्वॉल्व किया है तो फिर मुझे मजबूरन अपने माँ बाप को बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके माँ बाप बीच में आएंगे तो फिर तुम्हारे माँ बाप को भी बीच में मैं लाऊंगा। मैं आज ही फजीला से बात करता हूँ। क्या बात है मेरी जान, क्या हुआ? नानो, I have to tell you something. क्या? Mummy is not talking to me. उससे कहो यहाँ आए, सीधी तरह शंदाना के साथ जो भी घरेलू मसले हैं वो हल करे। मैं उससे बात करती हूँ, पूछती हूँ कि अब क्या शुरू हो गया, अच्छे भले थे अब ऐसा क्या हो गया? और मैं चाहता हूँ तुम भी उसके साथ हो ताकि जो बात हो तुम्हारे सामने हो। आपको नहीं पता उसने क्या किया मेरे साथ मामी, जो जो बातें मैं आपसे करती रही हूँ ना ये जाके अपने बाप को बताती आई। तुम ये कभी एडमिट नहीं करोगी क्योंकि तुम्हारे पापा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, है ना? तुम पापा की बेटी हो, जैसे सोफिया हैदर की बेटी है। ऑफिस में था या नहीं था इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। जब मैंने उसे यहाँ बुलाया था तो उसे आना चाहिए था, यहाँ क्या तकलीफ थी उसे? बीवी है, बच्ची है, उसकी फैमिली है, मगर उसे परवाही नहीं है। मैंने ऐसा गैर जिम्मेदार इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। सिर्फ उसका कसूर नहीं, तुम्हारा भी कसूर है। तुमने बीवी को जरूरत से ज्यादा सर पर चढ़ा रखा था, हर वक्त चंदाना चंदाना करते रहते थे, अब भुगतो। अरे मम्मी, अगर मुझे सर पर चढ़ाना आता है ना तो सर से उतारना भी आता है। देखिए, अगर वो मामू की लाडली है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अगर उसको मेरे साथ रहना है तो फिर उसको मेरे बनाए हुए तौर तरीकों पे अमल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि मैं हर वक्त की जी हजूरी करता फिरूं। देखो हैदर, अगर वो बुला रही है तो तुम्हें जाना चाहिए ताकि एक नया सीन क्रिएट हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता अम्मी। जब मैं अपने मसले लेकर आपके पास नहीं आता हूँ तो शंदाना को क्या जरूरत पड़ी है ये पंडोरा बॉक्स अपने माँ बाप के घर में जाकर खोलने की? ये तो शंदाना को सोचना चाहिए, बच्चे तो नहीं है कि इन बातों की नजाकत को नहीं समझती। और मैं मामू के सामने जाकर सफाइयां पेश करता रहूं जबकि कसूर उनकी अपनी सगी औलाद का है। फिर आगे से पता क्या होगा, जब भी कोई मसला होगा तो शंदाना उठकर अपने माँ बाप के घर चली जाया करेगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप बस एक काम कीजिए, आप इस सारे मसले से दूर रहिए प्लीज। लेकिन मैं भाई से क्या कहूँ, वो फिर फोन करेंगे मुझे। यार आप वही कहे ना उनसे जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं शंदाना से बचकाना हरकत की तवक्को नहीं रखती थी। 8-10 साल गुजर जाए तो मियाँ बीवी अपने मसले खुद हल कर लेते हैं। पंचायतें बिठा कर मसले हल नहीं होते, मैं खुद उससे फोन पर बात करूँगी। अरे अम्मी, ये आपके बात करने से ये मसला हल थोड़ी होगा। ये मसला तब हल होगा जब शंदाना इसको हल करना चाहेगी, वरना ये माँ बाप के बोलने से या ससुराल के चीखने चिल्लाने से जिंदगियां थोड़ी गुजरती हैं। Sorry, Mommy. Why? I'm not gonna tell anything to Daddy. It's alright. Daddy hurt you, Mommy, and I hurt him. Come here. He didn't hurt me, and you don't hate him. Chalo, it's time.
टाइम टू स्लीप, आपके तो सोने का टाइम है। आई एम अपसेट। Why are you upset? Because you're upset. I'm not upset. I'm not upset. हेलो, कहाँ तुम? तुम्हारा क्या ख्याल है कि इस वक्त मैं कहाँ हो सकता हूँ? वही हूँ जहाँ मैं पिछले 10 साल से होता हूँ। यही बात तुम आराम से भी कर सकते थे। अरे क्या बात है, कम टू द पॉइंट भाई। मैं काम के अलावा तुम्हें फोन नहीं कर सकती, बीवी हूँ तुम्हारी। अच्छा, न्यूज़ है मेरे लिए ये। क्या करूँ फिर? कल रात को फोन किया था मैंने तुम्हें, तुमने उठाया क्यों नहीं? सो रहा था मैं। झूठ बोल रहे हो, क्रिकेट देख रहे थे। जब तुम्हें पता है कि मैं रात को क्रिकेट मैच देख रहा था तो फिर क्यों पूछ रही हूँ मुझसे? मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकती अब क्या? देखो, इस वक्त ऑफिस में हूँ और ऑफिस में बहुत सारा काम होता है। तुम्हारी तरह अपने माँ बाप के घर में आराम से नहीं बैठा हुआ मैं। इतने आराम से नहीं बैठी हुई मैं माँ बाप के घर में। तुम और तुम्हारी बेटी हो ना मुझे टेंशन देने के लिए। तो निकाल दो इस टेंशन को अपनी जिंदगी से भाई। ये चाहते हो तुम? मैं वो चाहता हूँ जो हम तीनों के हक में बेहतर है। शंदाना कब आ रही है वापस? I have no idea. अपनी मर्जी की मालिक है, दीवाना होगा आदमी। एक हफ्ते के लिए नहीं गई थी क्या? यही तो हफ्ते के लिए थी, वो फिर सोफी की छुट्टियां आ गई ना। तुम भी चले जाते? समर ब्रेक नहीं चाहिए तुम्हें क्या? मेरा ससुराल अगर मरी में होता तो मैं तो हर 3 महीने बाद पहुंचा होता वहाँ। और वैसे भी ससुराल के अलावा तुम्हारे मामू का घर भी तो है। अरे यार, जब मामू का घर ससुराल मिल जाए ना तो फिर खतरा बढ़ जाता है, तफरी का मौका नहीं मिलता। तो इसका मतलब कोई प्लान नहीं है तुम्हारा मरी का? नॉट एग्जैक्टली। तो मेरे साथ टर्की चलो फिर, मैं जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। अजमल भी पहुंच रहा है दुबई से और फहद का भी प्लान, तुम भी चलो साथ में। एक हफ्ता गुजार कर आते हैं, बीवियों की चकचक और बच्चों की रहने से दूर। चलो देखता हूँ, लेट मी प्लान। जी आ जाइए। शंदाना बीबी। जी भाई। आपसे कोई मिलने आया? कौन? साथ वाले घर से फरवा बीबी मिलने आई आप। क्या हुआ? सुन, क्या हुआ बाबा? क्या क्या हुआ? क्या 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 हासिल है? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था, कोई ऐसी बात ही नहीं की थी कि वो यूं चीख पड़ा। वो गर्लफ्रेंड की बात थी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं करेंगे। मैंने तो उनके मोबाइल से उनके गर्लफ्रेंड के नंबर भी मिटा दिए थे, फिर भी उन्होंने एक गर्लफ्रेंड को फोन मिला दिया। मुझे नंबर मिला, मैंने उनकी गर्लफ्रेंड को फोन मिला दिया और मैंने उसको खूब सुनाई और मैंने उसको मना किया मेरे शोहर को फोन करने से आना। उसने फोन मिला दिया होगा और वो सुना नहीं सकता। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, तुम्हें हसन को पहले बताना था। क्या नहीं करना चाहिए था? मैंने कहा ही क्या है कि मैं घर औरत को मना नहीं कर सकती अपने शोहर से बात करने से। क्या वो घर औरत इतनी इम्पोर्टेंट है मेरे शोहर के लिए कि वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगा? शादी में दोनों चीजें चाहिए होती हैं। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्या उनको अच्छा लगेगा अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो? फरवा, हमारा मुआशरा औरतों और मर्दों के हक
में कबूल हो या ना हो क्या आपके शोहर की गर्लफ्रेंड थी शादी के वक्त? जाओ अपनी पिछले साथ खेले जाके। अस्सलाम वालेकुम हमीद भाई। हमीद बता रहा था कोई मेहमान आया था। मेहमान? अच्छा फरवा आई थी। फरवा? फरवा कौन? वो हमारे नेबर है ना अंकल अलीम, उनके भतीजे की बीवी, हनीमून का कपल। अच्छा वो? वो आई काफी अपसेट थी बेचारी। उसके हस्बैंड और उसके बीच में काफी झगड़ा हुआ है, काफी चीखा चलाया वो उस पर। पता नहीं मुझे मम्मी आजकल की जो नई लड़कियां है ना क्या सोच के शादी करती है। शादी को ना ये एक फैंटेसी समझती है, ये इनका फेरी टेल प्रिंस आएगा और उनको फौरन परफेक्शन मिल जाएगी जिंदगी। And they will live happily ever after. आप क्यों हंस रही हैं? तुम कह रही थी कि आजकल की लड़कियाँ, तो क्या तुम आजकल की लड़की नहीं? मैं अपने आने की बात की लड़कियों की बात कर रही हूँ। मेरी शादी को तो बहुत देर हो गई है। Although मेरी भी शादी के बारे में फैंटेसीज थी। ऐसी शादी होगी मेरी, हैदर ऐसे होगा, मैं ऐसी हूँ। आपके पापा की तरह हेलो जी मामी, अस्सलाम वालेकुम। हैदर, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं बस ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मामी वो सोफी से बात हो जाएगी मेरी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं उसे बुलाती हूँ बेटा, एक सेकंड होल्ड करना। सोफी, सोफी बेटा, आ रही है आ रही है। और बताओ दफ्तर कैसा चल रहा है बेटा? जी मामी बस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सुना है तुम बहुत मसरूफ हो आजकल। जी बस वो कुछ वर्कलोड ज्यादा है। हाँ शंदाना मुझे बता रही थी कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गए हो तुम आजकल। बेटा अगर चंद दिन फुर्सत निकाल कर यहाँ आ जाते तो बड़ा मजा आता बेटे। जी बस कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। सोफी आ गई। हाँ लो बात करो, तुम्हारे डैडी का फोन है, मैं अभी आती हूँ तो बात करो। हेलो डैडी। हेलो डैडी की जान, हाउ आर यू? मैंने आके से बात नहीं करनी। अच्छा क्यों, डैडी से तू नहीं बात करोगे? जी मैं आके से बहुत नाराज हूँ। डैडी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप नाराज हो गए? यू आर नॉट अ गुड पर्सन। ये आपसे किसने कहा कि डैडी इज नॉट अ गुड पर्सन? आई नो डैडी की जान, फिर भी डैडी ने ऐसा क्या कर दिया? You hurt mommy, I hate you. नहीं सोफी, आपको किसी ने गलत बताया है। पापा क्यों हर्ट करेंगे मम्मी को? डैडी, I don't like you. सोफी, आजकल की लड़कियों में बर्दाश्त नाम की बात ही नहीं है। 8 साल गुजर गए, यह नहीं संभाला जाता। एक हम थे, क्या क्या नहीं बर्दाश्त किया। अगर इसी तरह पंचायतें इकट्ठी करते रहते तो हो जाता निभा। शादी निभानी पड़ती है, बच्चों का खेल नहीं है। आपको लगता है मैंने कुछ नहीं बर्दाश्त किया? 8 साल से मैं बर्दाश्त कर रही हूँ,
आठ सालों में मैं कभी आपके पास या मम्मी पापा के पास आई कोई भी झगड़ा लेके? अगर आज आई हूँ तो कोई बड़ा ही मसला होगा ना? मंसूर भाई के पास आने से पहले तुम मुझे बताती, मैं आती, मैं हैदर को समझाती। अच्छा मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, पप्पू अगर आइंदा कभी मसला हो तो आपके पास आ जाऊंगी। अभी फिलहाल आप प्लीज मम्मी और पापा को यह मसला हल करने देना। हैदर के पास बिल्कुल वक्त नहीं है कहीं आने जाने का। दो तीन बार बात हुई है मेरी उससे, कहने लगा कि एक डेढ़ माह तक मैं लाहौर से बाहर कहीं नहीं जा सकता। अब तुम देख लो क्या करना है। ठीक है पापा देखेंगे, आप प्लीज पापा को देख लेने दें। मैंने आके से बात नहीं करनी। अच्छा क्यों, डैडी से क्यों बात करोगे? You are not a good person. ये आपसे किसने कहा कि डैडी is not a good person? I know. You hurt mommy. I hate you. Daddy, I don't like you. Oh अच्छा, फजीलत का फोन था। साफ इनकार कर दिया उसने, ना वो आ सकती और ना उसका बेटा। आपने क्या कहा था उसे? मैंने क्या कहना था? अरे वही मुर्गे की एक टांग के मैं समझाऊं शंदाना को, जैसे सारा कसूर मेरी बेटी का है। बहन वाली तो कोई बात ही नहीं की उससे। तुम्हें याद है जब शादी करना चाहती थी तो कैसे हमारे पीछे पीछे फिरती थी वो? इतना गुस्सा ना किया करें। अरे गुस्सा क्यों ना करो, बात ही गुस्से वाली है। जब सैर और तफरी की जरूरत होती है तो मरी और भाई का घर याद आ जाता है। आज भाई को मसला दरपेश है तो फासला नापने बैठ गई हमारी बहन, बहुत मसरूफ हो गई है। जब बहन भाई के घर बेटी दे देते हैं तो वो बेटी का ससुराल बन जाता है। बहन भाई समझकर झगड़ते नहीं है और ना ही अकड़ते हैं, बेटी का ससुराल समझकर झुक जाते हैं। मैं नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा मैं। भान में जाए बहन और भांजा। अरे अगर वो मेरी बेटी को खुश नहीं रह सकते तो मैं भी खुश नहीं हूँ। मेरी बेटी भारी नहीं है मुझ पर। बेटियाँ भारी नहीं होती अपने माँ बाप पर, जमाने की नजरें और बातें भारी होती हैं। वो पुराना जमाना था, उस जमाने के रस्म और रिवाज का मैं कायल नहीं। औरत को अगर घर चलाना और बसाना है तो फिर औरत के लिए जमाना कभी नहीं बदलेगा। और वैसे भी लड़ने झगड़ने से मसाइल बढ़ते हैं, हल नहीं होते। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ लड़ाई झगड़े करने से मसले हल नहीं होते, मगर झगड़ा शुरू किसने किया? फजीलत ने। बड़ा मायूस किया है उसने मुझे, बहुत मायूस किया है। मैंने आके से बात नहीं करनी। You are not a good person. You hurt mommy, I hate you. Daddy, I don't like you. अलैकुम अमीर भाई। अलैकुम शंदाना बेबी, आपकी कॉल। ओह थैंक यू। हेलो, ये तुमने सोफिया से क्या कहा है? क्या कहा है? वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये तुमने सोफिया से क्या कहा है। मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा। यू आर लाइंग। तुमने उससे कहा है कि मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ। सो आई एम अ बैड पर्सन। हैदर, मैं सोफी से इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती। मैं बच्चों के साथ अपने मसले नहीं डिस्कस करती। तुमने उससे कहा है कि शी शुड हेट मी। क्या? हैदर, आई कैन नॉट से समथिंग लाइक दैट टू सोफी। मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हारी ज़हनियत पे। मुझे भी अफसोस हो रहा है तुम्हारी ज़हनियत पर, क्योंकि सोफी ने आज से पहले कभी भी इस लहजे में मुझसे बात नहीं की। ये मेरा कसूर है? नहीं, तुम्हारा नहीं। तो और किसका कसूर है? वो मुझे अपसेट देखती है, परेशान होती होगी, सोचती होगी। वो सोचती है और सुनती है वो सब बातें जो तुम अपने माँ बाप के कानों में मेरे खिलाफ डाल रही हो। मैं तुम्हारे खिलाफ कोई जहर नहीं डाली। ओ रियली? हैदर तुम्हारा मसला पता क्या है? तुम कभी अपनी गलती नहीं मानते। तुम कभी जिंदगी में ये नहीं मानोगे कि तुमने क्या गलतियां की हैं, क्या ज्यादतियां की हैं। एक गलती की है मैंने, और वो गलती है कि मैंने तुमसे शादी की है।
चंदाना बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर ये कपड़ा तुमको अच्छा लगता है तो तुम सिलवा लो, है? क्या ख्याल? क्या हुआ बेटा, क्या बात है? चंदाना कुछ बोलो तो सही। मम्मी, I'm so sick and tired of this whole thing called marriage. अब क्या हुआ है? हर बात पे इंसल्ट, छोटी से छोटी बात पे मलामत करना, हर बात पे तंज करना, मेरी हर बात पे शुबा करना। हैदर और तुम्हारा फिर झगड़ा हो गया है क्या? अब उसे शक पड़ गया कि मैं सोफी को उसके खिलाफ कर रही हूँ। जैसे सोफी के अलावा उसकी जिंदगी में कुछ और है ही नहीं ना। सोफी ठीक होती है तो वो खुश होता है, सोफी नाराज होती है तो ही गोज मैड। मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी जिंदगी में, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरा होना या ना होना उसके लिए कोई माने ही नहीं रखता। मैं एक यूजलेस इजाफी चीज हूं उसकी जिंदगी में। ओहो शंदाना, मेरी जान, सब ठीक हो जाए। भाई बाहर इंतजार कर रहा हूँ, क्या हो गया तुम लोगों को? देर से निकलेंगे तो पहुंचेंगे कब? ऐसी बहन बहन हुई और बांजा, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। ऐसे रिश्तेदारों का क्या फायदा जिनका खून सफेद हो गया है? ये मसले बड़े नाजुक होते हैं मंसूर, इनको इस तरह हैंडल नहीं करते। और क्या जरूरत है फजीलत को इस तरह झिड़कने की? उस बेचारी का इस सब में क्या कसूर? अच्छा किया मैंने उसे झिड़का, और कसूर क्यों नहीं है उसका? वो माँ है हैदर की, उल्टी सीधी पत्थर पड़ा दी होगी अपने बेटे को, जब ही तो ना हमारी जिंदा है ना अपनी बीवी की। चंदाना जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रह रही, दोनों इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, और वैसे भी उसका मसला हैदर से है, उसके माँ बाप से नहीं। हैदर से भी मसला है तभी उसके माँ बाप को चाहिए कि वो ये मसला हल करे, मगर वो तो कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठे हैं, ना वो यहाँ आते हैं ना वो मेरी कॉल सुनता है। ये तो इज्जत है बाबू की। आप मसला हल करना चाहते हैं या रिश्तेदारी खत्म करना? देखो मेरे लिए जो चीज सबसे अहम है वो इज्जत है, रिश्तेदारों की मुझे परवाह नहीं, औलाद अजीज है मुझे सबसे ज्यादा। जो मेरी बेटी को खुश नहीं रखेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। मेरे लिए मेरे माँ बाप और बहन भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उनको कभी कोई तकलीफ पहुंची तो मैं माफ नहीं करूंगा। अगर तुम मुझे खुश रखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पूरे खानदान को खुश रखना होगा। मैं उनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं सुनूंगा। जी। देखो दुर्रिश्वार, तुम एक अमीर घराने की लड़की हो। जब मैं पहली दफा तुम्हारे घर गया तो बहुत परेशान हुआ। मैंने अपने माँ बाप से कहा कि मेरे इतने बड़े घर में शादी मत करें, हम दोनों के माहौल में बहुत फर्क है। लेकिन जब उन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की कि मेरी शादी इसी घर में हो तो फिर मेरा रजामंद हो गया। लेकिन अब तुम इस घर की बहू हो तो मैं चाहता हूं तुम मेरे माँ बाप को बहुत खुश रखो, उनको कभी एहसास मत हो कि उन्होंने बड़े घर से बहू लाकर गलती की। और अगर तुम इन सब चीजों का ख्याल रखोगी तो मुझे यकीन है तुम एक बहुत अच्छी बीवी साबित होगी, बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। जी। देखो बेटा, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो, बड़ी भाभी, और बड़ी भाभी माँ जैसी होती है, तो तुम अपने देवर और छोटी नंदू को हमेशा अपने बच्चों की तरह समझना।
जिन दुरेश अवार, जो तुम्हारा तौर तरीका है ना, अब इस घर का तौर तरीका होगा। तो इस बात का बेटा खास ख्याल रखना कि तुम्हारी आदतें और बातें, उनसे तुम्हारे देवर और नंदों पर कोई बुरा असर ना पड़े। मैं रिवायती सास नहीं हूं। तुम्हारे सुसर की माँ अल्लाह बख्शे मेरी सास बड़ा सताया था मुझे, लेकिन खैर अब वो वक्त नहीं रहा। मेरी तो यही दुआ है कि बेटा तुम और मंसूर हंसी खुशी इकट्ठे रहो। देखो बेटा, तुम बड़े घर से आई हो, आराम और आसाइश में पली हो बेटा, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अब इस घर की सारी जिम्मेदारी बेटा तुम्हारे सर पर है। जब मैं ब्याह कर आई थी तो घर में 24 लोग रहते थे और मेल मिलाप अलग। अल्लाह बख्शे मेरी सास ने तो शादी के तीसरे दिन से ही चूल्हा चौकी मेरे सुपुर्द कर दिया था। 24 लोगों की रोटियां पका पका कर मेरी कमर तो दोहरी हो जाती थी। बेटा तुम तो खुशकिस्मत हो कि घर में ज्यादा लोग नहीं है। इनकी खिदमत करोगी ना तो बड़ों से दुआएं लोगी और छोटे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। आओ अंदर आओ। ये आपका बेडरूम है बाजी? हाँ, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। आओ तुम लोग बैठो। अरे कैसे बैठ जाए ऐसे कमरे में? ऐसा कमरा सजाया है उन्होंने, तुम्हारी तो एस्थेटिक सेंस में बॉम्बशेल गिरा होगा ऐसा कमरा देखकर। याद है तुमने क्या प्लान किया था अपने वेडिंग रूम के लिए? कैंडल्स, वाइट लिलीज। नाजिया वो फैंटेसी थी, ये जिंदगी है। तुम भी ना आते शुरू हो जाती। चलो आओ बैठो। फिर भी यार ये जिंदगी तो नहीं, ये तो जुल्म है। लगता है बड़ी पुअर एस्थेटिक सेंस है तुम्हारे ससुराल वालों की और तुम्हारे मियाँ की भी। अरे उनका कमरा था, इस चीज का ख्याल उन्हें होना चाहिए था कि चीजें कहाँ पड़ी हैं, कमरा कैसा सजा होना चाहिए, कोई बंकर थोड़ी ना है। बाजी ने कौन से यहाँ पे रहना है, इन्होंने तो मंसूर भाई के साथ रहना है और वैसे भी आर्मी वालों का बहुत खूबसूरत घर मिलते हैं। ठीक है ना बाजी? ये मेरी छोटी नंद है हफ्सा। हाँ जानती हूँ कि ये तुम्हारी छोटी नंद है। क्या कर रहे हैं आप? मैं मैट्रिक में हूँ। कौन से सब्जेक्ट्स में? साइंस या आर्ट? आर्ट्स में। अच्छा शहवार, तुम मंसूर भाई के साथ कब शिफ्ट हो रही हो अपने घर में? अभी कहाँ जाएंगी शहवार बाजी, अभी तो शादी की कई रसूमात बाकी हैं। फिर सैर तफरी के लिए भी जाना है और फिर हमारी तरफ भी आएंगी, फिर जाकर खालियां शिफ्ट होंगी। अभी पूरा एक माह बाकी है। अरे हाँ, तुमने अपना सारा सामान यहाँ क्यों मंगवा लिया? मेरा मतलब है कि पहले सारा सामान लाहौर से जेहलम आया और अब जेहलम से खारियां जाएगा, तुम्हारे तो सारे जहेज की टूट फूट हो जाएगी। हाँ ये बात तो मैंने भी सोची थी, और अम्मी अब्बा का ख्याल है कि जहाँ ससुराल होना चाहिए वहीं पे जहेज होगा, और वैसे भी जो चीजें बाजी को चाहिए होंगी वो साथ ले जाएंगी। शिफा क्या हुआ, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। अरे शहवार तुमने ये तो बताया ही नहीं कि मंसूर भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया। मेरा मतलब है अंगूठी दी, कंगन दिया या लॉकेट दिया, क्या दिया? 100 दिया। क्या 100 दिया? Thank you.
ये मेरा कमरा है। अच्छा, काफी बड़ा है। इस घर के सारे कमरे ऐसे ही हैं। वैसे बड़े कमरों में मुझे घुटन महसूस होती है, लेकिन चलो गुजारा करना पड़ेगा। अच्छी पेंटिंग है। मैंने बनाई है। अच्छा, तुम पेंटिंग भी करती हो? पहली मुलाकात में बताया तो था। हाँ, क्या बनाने की कोशिश की है? एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, वैसे पेंटिंग कम और कुछ फैले हुए रंग ज्यादा लगता है। आप ग्रामोफोन सुनेंगे? नहीं, मौसीकी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन आपने तो कहा था कि आपको गजलें पसंद है। हाँ, बॉर्डर पे कभी कभार जब वक्त मिल जाता था तो रेडियो पे गजलें सुन लेते थे। मैंने अब्बा से कहा है कि हमें एक ग्रामोफोन ले दें, हम अपने घर पे सुना करेंगे। नहीं, ऐसे मत करना। क्यों? देखो तो ऋषभ भाई, मेरे और तुम्हारे घर का माहौल बहुत फर्क है, वहां पर ये सब कुछ नहीं चलेगा। देखो, इसकी वहां पर आवाज गूंजेगी और अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, मुनासिब नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, जब हम खारिया जाएंगे तो वहां पे सुना करेंगे, आपको तो कोई एतराज नहीं होगा ना? हाँ, देखें। आओ आओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्या लोगे बेटा, ऑमलेट, फ्राइड एग या बॉइल्ड? जी फ्राइड, ठीक है। लो शेवार, मंसूर को। शुक्रिया। शेवार, अब तुम भी कुछ ले लो। जी अब्बा, अभी लेती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मंसूर, तुमने इसके खाने पीने का ख्याल रखना। जी। इसको खुद तो ना खाने का शौक है, ना इसको नाश्ते का होश होता है। मानूर, बहन को चाय दो। नहीं मानूर, चाय से पहले से जूस दो, इसके बाद एक ग्लास दूध और उसके बाद चाय। अब्बा, अगर इतना कुछ पी लिया तो फिर खाऊंगी क्या? खा दो, तुम वैसे ही कुछ नहीं हो, पी तो लो कम से कम। बेटा, ये रोल जरूर ट्राई करो, बड़े फ्रेश हैं, घर के बने हुए। बेटे, आज कहीं बाहर सैर वैर के लिए निकलो, बोर हो गए होगे ना अब तो घर में। जी हाँ, शहबाज, मंसूर को तुम लाहौर की सैर करवाओ। बेटा, आपने शाही किला देखा हुआ? नहीं। आप ड्राइवर से कह देना वो ले जाएगा इनको। नहीं अम्मी, ड्राइवर की क्या जरूरत है, मंसूर खुद ड्राइव कर देंगे। नहीं, मुझे गाड़ी चलाने नहीं आती। अच्छी ड्राइव कर रही हो ना? मुझे पता नहीं था तुम ड्राइव भी करती हो। एक साल पहले ही सीखी थी। वैसे ड्राइव करने का भी अपना ही मजा है। लेकिन ड्राइवर होता तो बेहतर था। क्यों, मैं अच्छी नहीं चला रही? लोग तुम्हें घूर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे अब तो लाहौर में भी लड़कियों ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन जेल में ऐसा नहीं है। मुझे ज्यादा बोलने वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलती। अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैं अक्सर अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आती थी, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मैंने सोचा था कि शादी के बाद आपके साथ ही आऊंगी। मुझे ज्यादा घूमने फिरने वाली लड़कियां भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे तो घूमने फिरने का बहुत शौक है।
अगर आपके साथ घुमा करूंगी फिर तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? मुझे ज्यादा घूमने फिरने का भी शौक। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक भी खत्म हो जाएगा। वैसे आपको शौक किस चीज का है? मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचाया। हमारी जैसी फैमिलियों में शौक नहीं रखे जाते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, एक्टिविटी के तौर पर? नहीं, कुछ भी नहीं। पहले वसाइल नहीं थे और अब वक्त नहीं। लाहौर से जेलम जाके सेटल होना बड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे बता रहे हैं या फिर मुझसे पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ। जगहों से क्या फर्क पड़ता है? आप चीचू की मलिया में रहे, सरगोदा में या फिर जेलम में, इंसान तो इंसानों से दिल लगाते हैं। अच्छा, इतना अच्छा लगता हूं तुम्हें? बताया नहीं? किस बात का? यही कि कितना अच्छा लगता हूं तुम्हें। आपने भी तो कभी नहीं बताया। क्या? यही कि मैं आपको कितनी अच्छी लगती हूँ। क्या फर्क पड़ता है, शादी तो हमारी होगी। अब चाहे हम एक दूसरे को अच्छे लगे या बुरे, मियां बीवी तो रहेंगे ना। अम्मी, अब्बा ने बिना मंसूर भाई का घर वर नहीं देखा, और आप सही कहती हैं कि उनका और हमारे घर का माहौल बहुत मुख्तलिफ है। भाई, अब तो शादी हो गई, अब क्या हो सकता है? बार बार माहौल के फर्क का तस्करा करना अच्छा नहीं लगता। वैसे भी शहवार ने तो उसके साथ ही रहना है ना मंसूर के, तो जैसे मर्जी अपना घर सेट करती रहेगी। क्यों बेटा, सब ठीक है ना? पता है, बारात वाले दिन सब खानदान वाले इतनी तारीफ कर रहे थे मंसूर की, सब कह रहे थे बड़ी अच्छी जोड़ी है। लेकिन अम्मी, मुझे मंसूर भाई की एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मुंह दिखाए पर सिर्फ 100 रुपया दिया, कोई ज्वेलरी दे देते। हो सकता है उनके यहाँ रिवाज ना हो, हर घर का अपना अपना रिवाज होता है। लेकिन अम्मी, फिर भी ये क्या बात हुई कि हक में मुंह दिखाई के तौर पर दे दिया? ये तो गनीमत जानो कि उन्होंने मुंह दिखाई के नाम पे दिया तो सही। तो अम्मी, कौन सा 1000 रुपए दे दिए, सिर्फ 100 रुपए तो दिया। भाई, अपनी जेब के मुताबिक दिया उसने। और सुनो मानू, अब तुम ऐसी बातें करके बहन का दिल मत खट्टा करो। अम्मी, अल्लाह के वास्ते मेरे लिए कोई ऐसा खानदान मत ढूंढना। मुझे तो वैसे भी ज्वेलरी बहुत पसंद है, और अगर कोई लड़का ढूंढेगी भी ना तो ज्वेलर खानदान का ढूंढेगा। जरा देखो, इसे शादी बहन की हुई है और इसे अपनी पड़ गई।